नितेश पतंग के ब्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो मुझे एक चीज़ आपको पहले स्टार्टिंग में एक बताना है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अभी मैं शॉप के अंदर था और एक मेरे जो है सब्सक्राइबर बाहर आके मुझे देख के वेट कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा। जो है मैं काम कर रहा था वो 5 मिनट रुके रहे, मैं जब बाहर गया तो बोले अरे सर मैं आपके लिए रुका था। मतलब मुझे कसम से बोल रहा हूँ इतना अच्छा लगा। मतलब कोई आता है पूछता है आपको कि अरे आप कैसे हो क्या कर रहे हो, तो अच्छा लगता है वो फीलिंग। भले हम लोग इसे सोर्स ऑफ इनकम ना समझे लेकिन एक अचीवमेंट होता है ना कि भाई आपको 4 लोग पूछते हैं, वो वाली फीलिंग काफ़ी अच्छी है। ये सर जो है हमारे शॉप के जो है एग्जैक्टली बाजू में इनका शॉप है, तो बहुत टाइम से जो है मेरे को चेक करवाना था। मेरा एक नंबर जो है ना ये थोड़ा सा दूर का जो है मेरे को तकलीफ हो रही थी देखने के लिए, तो सोचा कि यार नंबर पे एक बार चेक कर लूँ। और थोड़ा क्या रोज़ रोज़ मैं अपने शॉप से बात करता था, वाला आज इनके शॉप से भी बात हो जाएगा, स्टार्टअप हो जाएगा, तो एक बार जो है नंबर भी चेक करते। तो चेक करने के बाद एक चीज़ जो पता चल गई है कि मेरे लेफ्ट आँख का नंबर पॉइंट से बढ़ गया है। वो कितना पॉइंट है मैं आपको नहीं बता दूँ लेकिन बढ़ गया ऐसा लगता है, कभी कभी होता है। लेकिन ये जो है स्पेक भी मुझे सर ने बना के दिया था, इनका जो है शॉप का नाम ब्लू आई ब्लू विजन। तो ये वीडियो देख रहे हो अगर कोई भी कल्याण में मेरे सब्सक्राइबर है उनको चाहिए रहेगा तो मेरा नाम लेना 10% ऑफ। देखो मैंने रैंडम भी बोले ना, क्या बात है, देखो 10% डायरेक्ट डिस्काउंट कर दिया तो सुबह सुबह बोनी। तो चलिए यहाँ से अभी निकलते हैं। फिलहाल जो है एक काम पहले तो ये करना है कि अपना केक का डिलीवरी करना है और दूसरा जो है हमारे गिव अवे के विनर उनको जो जाके शू डिलीवर करना है। विनर जो है वो डुमरी में रहते हैं तो मैंने सोचा यार कुरियर करने से अच्छा है कि हमारा वो साइड में काम होते रहता है, तो आज अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाना ही है, तो सोचा कि वहाँ पे उनको मिलके उनको जो है गिफ्ट भी दिया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो है बारिश आने के चांसेस है, तो उसके पहले अपने को ये वाला केक जो है उल्लासनगर में जाके डिलीवरी करना है। तो उसके बाद जो है हम प्लानिंग करेंगे डोम्बिवली के बारे में, अगर अपना जो है काम बनेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे जाएंगे और साथ ही साथ जो है हमारा शू भी गिव अवे मतलब जो है विनर को देखे आएंगे। तो अभी फिलहाल निकल दे फटाफट क्योंकि बारिश को लग रहा है आएंगे। आगे फिर से शॉप में अपने जितने भी छोटे मोटे काम थे जो है डिलीवरी करना था, उल्लासनगर जाके आना था, सामान लेके आना था, वो सारा कुछ हो चुका है। अभी जो है जाते हैं जो हमारा जो है विनर उनके यहाँ पे। मुझे पहले लगा डुम्बिवली मतलब वो डुम्बिवली वाला नहीं हो पला वाला डुम्बिवली, मतलब यहाँ से मुझे 15 किलोमीटर जो है आगे जाना पड़ेगा। तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं अपने जो है विनर के लिए। यहाँ से वहाँ जाते हैं, विनर से बातचीत करते हैं क्योंकि जाके आने में अपने को लगने वाला 1 घंटा और उनसे बात करने के लिए 1/2 घंटा, मतलब टोटल 1.5 घंटे का जो है टाइम निकलने वाला अपना। क्योंकि ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैडम को जो है 3:30 बजे घर पे जाने का है, तो उनके दिलासे के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम लोग जो है जाके फटाफट आते हैं। यहाँ से तो हम लोग निकल चुके हैं, पहले तो अपने को करना है एक केक का डिलीवरी, उसके बाद जो है अच्छे से थोड़ा सा गिफ्ट रैप कर दिया मैंने। चलो फर्स्ट टाइम कुछ कर रहे तो दिल से करते। एक गलती कर दी जो मैंने अपना GoPro की बैटरी चार्ज नहीं किया हुआ था। हमारे पास चीज़ होती है लेकिन जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसकी केयर नहीं करते, कदर नहीं करते। जब उसकी जब ज़रूरत हो तब हमें उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है, वैसा ही फंडा मेरे साथ आज हुआ है। अभी जो एक GoPro की बात कर ही दी है तो और एक बात बता देता हूँ, जब से वो कराड़ वाला जो है राइड करके आया तब से अपने हेलमेट को मैंने एक भी बार पोंछा नहीं है। मतलब अभी मैंने उसको जो है अभी जो अभी ज़रूरत पड़ा तो अभी मैंने उसको पहन लिया, तब जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ यार ये तो थोड़ा गंदा है। मतलब ये चीज़ देखो मतलब टैलेंटेड है, अभी क्या बोला मैंने आपको टैलेंटेड, टैलेंट होना चाहिए हर एक चीज़ में, काम ना करना भी सबसे बड़ा टैलेंट है। देखो मैं यहाँ पे रास्ता ढूंढ रहा हूँ और मेरे को रास्ता मिल नहीं रहा है, जो सिर्फ खड्डे ही खड्डे दिख रहे हैं यहाँ पे, सब जगह खड्डे ही खड्डे। ये बारिश में यही हाल होते हैं। अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ
बट मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैडम जी हमारे जो है व्लॉग देखती है और क्या बात है, कितना जल्दी जो है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कल्याण से पलावा पहुंचने के लिए मेरे को सिर्फ 20 मिनट लगा है। मतलब ट्रैफिक नहीं मिला इसके लिए फट फट आ गया। तो ये जगह जो है ना पलावा सिटी, इतनी पीसफुल जगह है ना, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आपको स्टे करना है तो आपके पास एक स्कूटर या जो भी टू व्हीलर होनी चाहिए, टू व्हीलर फोर व्हीलर। यहाँ पे रिवर है छोटा सा वाला, काफ़ी अच्छी जगह है। और ये देखो जगह बहुत अच्छी है। गेट नंबर 2 पे जाने का है? गेट नंबर 3 पे आएंगे। ये 3 पे है? हाँ। तो 2 गेट नंबर 2 है, इधर से आप जाएंगे। अभी लंबा है क्या? नहीं नहीं, लंबा नहीं, थोड़ा दूर है वो। देखो आगे जहाँ से गाड़ी मुड़ी जा रही है। 1 मिनट में पहले गाड़ी साइड में लेता हूँ। हाँ अभी बोलिए, सीधा जाइए। हाँ देखो अभी रुको, इधर से गाड़ी दिखेगी। देखो आगे से वहाँ पे, हाँ एक अंदर ऐसा रास्ता जाता है। हाँ वही है। अच्छा वही पे? हाँ, ओके। गलती से जो है गेट नंबर 3 पे चले गए थे, अभी हमको जाना है गेट नंबर 2 पे। अंकल ये गेट नंबर 2 है क्या? आगे है, आगे आगे। मिल गया गेट नंबर 2। हाँ मुझे लगा अभी तक वो आ गई रहेगी, बट अभी तक आई नहीं है। चलो कॉल लगा के देखते हैं। हाँ कुटे जाने? अच्छा अच्छा गेट नंबर 2 चाहिए इकड़े में। हाँ हाँ चल। जब तक वो आ रही है तब तक जो है मैंने अपना कैमरा सेटअप कर लिया। ये आ गई हमारी विनर। हेलो, कैसी है? मस्त एकदम, तुम्हें कैसे है? बस एकदम ठीक है। तुझे गिफ्ट, थैंक यू सो मच। तुझे नाम? हाय निशिता। निशिता ते तुला काल हे तुला गिफ्ट मिळाले करून? हो मला काल शेअर व्हिडिओ मध्ये। व्हिडिओ मध्ये काय आला? क्या बात आहे, मला तू फॉलो करते का पण? हो दीदी करते ते व्हिडिओ। आणि तू? मी तेरे इंस्टाग्राम ने। ए नाही YouTube? हाँ यूट्यूब वगैरह करते हैं मम्मी। हाँ अच्छा ठीक है, अभी उसके पास फोन नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब भी वो फोन लेगी तो तू मला आधी सब्सक्राइब करे था। एक कसं वाटलं तुला, तुला गिफ्ट मिळालं ते? बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग सरप्राइज था एक्चुअली अनबिलीवेबल था पहले तो, क्योंकि मैंने ऐसे ही पोस्ट डाल दी इंस्टाग्राम पे सर को और वो शू फैक्ट्री को टैग करके, बट देन विनर जब भी अनाउंस हुए तभी फर्स्ट नाम आया तो आई वाज लाइक हां उसके बाद जो है मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनको जो है एड्रेस लिया और उनको जो है ये डिलीवर भी किया। चल बाय। चलो अपना काम हो गया यहाँ पे, अपने जो है विनर को हम लोग ने जो शू दे दिया, अभी कोई टेंशन वाली बात है नहीं, बाकी सब बढ़िया। जल्दी जल्दी इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैडम का जो है फास्ट है, तो मैंने तब भी उनको बोला था लस्सी वस्सी ला के देता हूँ पी लो करके, थोड़ा आराम मिलेगा। भाई नहीं भाई, मेरे को घर पे छोड़ो, मेरे को नींद भी करना है। अलग चलो भाई, उसको नींद के चक्कर में थोड़ा जल्दी काम करना पड़ रहा है। अब एक चीज़ है कि अपना GoPro की बैटरी 5% हो गई है। ये देखो ये है वो रिवर के बारे में जिसके बारे में आपको बात कर रहा था। आहा बट अभी कुछ है नहीं वहाँ पे, सब गंदा हो गया। ये है हमारा पलावा का एक्सपीरिया मॉल, अब मुझे पता नहीं ये चालू है या बंद है। फाइनली जो है शॉप पे आ चुके हैं। शॉप पे आने के बाद जो है मैडम को लस्सी भी लाके दिया, उनको जो है बोला भाई जाके आराम भी करो। इतना मजा आया वो शू देख के, इतनी खुशी हुई उनको भी तो मुझे देख के भी इतना अच्छा लगा ना कि अरे यार मैंने मतलब कुछ तो अच्छा काम किया। चलो ठीक है, ये यही तक रखते हैं वीडियो। अगर यहाँ तक अगर आपने देख लिया होगा तो यार अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, उसी की ज़रूरत है।
और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। एंड हाँ, एक और चीज़, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलिए। इंस्टाग्राम पे जो है नितेश पतंगे, आप सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हो। Let's go। एक मैं, दो गाड़ियाँ, तीन दोस्त, चार लड़कियाँ, पांच बोतलें, छह गोलियाँ, सात नंबर में आठ खोलियाँ, नौ मैनेजर, दस स्टोर, ग्यारह साल का इमेच्योर, लिखने को लगते घंटे बारह, तेरह साल में गाने दे रहा, चौदह मेरा बर्थ डेट, पंद्रह साल से माइंड स्टेट, सोलह डिजिट, सत्रह अकाउंट्स, अठारह साल में अंडरग्राउंड।